अबे दूर हो जाओ भैया, दूर हो जाओ। मीडिया बनाओ, मीडिया जीडिया क्या है ऐसा पानी ना दे। 2 मिनट लगे हैं, 2 मिनट में बस 20 बजने थे, तो पहले 20 तरी गए। 2 मिनट की बात है। दौरान जो है वहाँ बस जो खड़ी हुई थी सड़क के सहारे, उसमें आग लग गई। इसकी सूचना पर पुलिस कर्मियों ने खुद और पब्लिक के सहयोग से आग को बुझा दिया गया है और आग लगने के कारण की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसकी तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आग लगाने वाला अगर कोई ऐसा असामाजिक तत्व है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, जो झगड़ा हुआ था उसमें किसी को हिरासत में लिया गया? नहीं, अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। किसी तरह की कोई FIR पंजीकृत कराने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन संज्ञान में ये आया है कि रोडवेज राजस्थान रोडवेज के कुछ कर्मी आने वाले हैं। ये भरतपुर से रोडवेज की बस है, राजस्थान रोडवेज की, जो भरतपुर से जा रही थी कासगंज के लिए। तो कोयल फाटक के पास में एक स्विफ्ट गाड़ी में सवार 2 लड़के थे, नगला भीमा भी बताए जाते हैं। उन लड़कों से ओवरटेक को लेके कंडक्टर ड्राइवर का, बस ड्राइवर का और उन लड़कों का झगड़ा हो गया, जिसमें कंडक्टर ड्राइवर और उन दोनों लड़कों के मध्य जो है वाद विवाद उत्पन्न हो गया। उस वाद विवाद की सूचना जो है थाना पुलिस को पता लगी। थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस को देखते ही कंडक्टर ड्राइवर भी भाग गए और वो लड़के भी वहां से चले गए। सर, क्या ये पुलिस की कस्टडी में? सर, तो इसके जब चले गए तो वहां जाम की स्थिति न बने और उस गाड़ी को सुरक्षित लाए को रखा जाए, तो गाड़ी को जो है पुलिस द्वारा थाने के सामने ऑन रोड किनारे से खड़ा कर दिया। इसी दौरान राजस्थान रोडवेज के कर्मी भी वहां आ गए और नगला भीमा की तरफ से भी कुछ बताया गया कि लड़कों के अबे दूर हो जाओ भैया, दूर हो जाओ। भैया पीछे हो जा, टायर फट गया।